हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू आरपीएस समर कैंप क्रिएटिव क्लासेस। पेपर डॉल बनाने के लिए हमें एक ओल्ड बुक, कोई भी लेस ले सकते हो, सीजर, डेकोरेट के लिए कोई भी मटेरियल, फेविकॉल, वाटर कलर या पोस्टर कलर एंड ब्रशेस एंड वूल। नाउ आपको ये ओल्ड बुक से, बैक साइड से और फ्रंट से हम वेस्ट हार्ड बुक निकाल देंगे। हार्ड पेपर निकालने के बाद हम बुक को फोल्ड करेंगे, क्योंकि हम ये फोल्डिंग डॉल बना रहे हैं, बुक फोल्डिंग। तो दिस, अब आप इसको इस तरीके से, हम फोल्ड कैसे करना शुरू करेंगे, पहले हम इसको कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए ऐसे फोल्ड करेंगे हाफ, फिर कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए फिर फोल्ड करेंगे। नीचे से जो बैलेंस है वो भी हम इक्वल करके फोल्ड कर देंगे, लाइक दिस। अगेन हाफ, फिर फोल्ड। कोन बनाना है हमें, कोन टाइप, जैसे एरोप्लेन बनाते हैं ना, एरोप्लेन के लिए हम फोल्ड करते हैं लाइक दिस। हम इस तरीके से एरोप्लेन के लिए फोल्ड करेंगे और नीचे से ये भी फोल्ड करेंगे, जिससे हमारा ये इक्वल हो जाए। सेम इसी तरीके से हम पूरी बुक को फोल्ड करेंगे, और पूरी बुक को फोल्ड करने के बाद लास्ट में हम जो पेज बचेगा उसको हम पेस्ट कर देंगे। सी, देखिए ऑलमोस्ट मेरी काफ़ी डन हो गई है। मेरे साथ फोल्ड करते रहिए आप, नीचे से भी इस तरीके से डाउन, देन कॉर्नर्स, फिर ये अप, मैच करके हमारा नीचे इक्वल होना चाहिए, इक्वल हमें करना है, इसलिए हम ये ऊपर की साइड फोल्ड कर रहे हैं। देन लास्ट पेज है हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमने पूरी बुक फोल्ड कर ली, अब हम इसको थोड़ा सा, अगर कहीं से ख़राब है तो हम सही कर देंगे। सी नाउ, अब हम ये वाला लास्ट था हमारा, इसको फेविकॉल लगा कर हम इसको पेस्ट कर देंगे, पेज को, दोनों को। इसको खड़ा करके अच्छे से पूरी को खोलेंगे। देखो, देखिए पेपर डॉल फ्रॉक बन गई। मैं इसे कलर करने जा रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप कलर नहीं करना चाहते तो आप प्लेन भी बना सकते हो, बट मैं इसे पर्पल और रेड कलर की शेड दे रही हूँ। सी, कहीं कहीं पे मैं पर्पल दूंगी। मैंने ऊपर के कॉर्नर पे हाफ पे पर्पल शेड दिया है और देन नीचे रेड कलर। ये ऑप्शनल है पूरी तरह, आप अगर कलर करना चाहते हैं तो कलर करिए, नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए। देखिए मैं इसी तरीके से पूरे को पर्पल की शेड देते हुए, मेरा पर्पल शेड ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है अपसाइड का। सी, आप वाटर कलर यूज़ कर सकते हो, आप पोस्टर कलर्स यूज़ कर सकते हो, एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हो, और मैं, ज़रूरी नहीं है आपको कि मैं पर्पल कर रही हूँ तो आप भी पर्पल करें, अगर आप कोई और कलर करना चाहते हैं तो कोई और कलर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं, और याद रखिए डायरेक्ट टेबल पे मत करिएगा, नहीं तो मम्मी आपको भी डांटेंगी और मेरे को भी डांटेंगी। आप कोई रफ एक पेज रखिएगा, देन आप कलर यूज़ करें, उससे क्या है हमारा साफ भी रहता है, क्लीन भी रहेगा और आपका वर्क भी हो जाएगा। सी, पर्पल हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। सी, इस तरीके से मैं, हम रेड की शेड दे देंगे नीचे हाफ। देखिए पूरा मैंने रेड भी कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब हम फेस के लिए कोई भी एक पेपर लेंगे, उसकी बॉल बनाएंगे, एक और पेपर लेंगे उसके अंदर बॉल लेंगे, देन टिश्यू पेपर से उसको अच्छे से रैप करके और वाइट कलर से हम पेंट कर लेंगे। सी, इसको सूखने के लिए रखेंगे। नाउ अब एक लेस ले लीजिए, लेस नहीं है तो कोई आप पेपर कटिंग करके भी आप इस पे लगा सकते हो बॉर्डर बनाने के लिए। अब वूल को मैंने कई लेयर में फोल्ड करके इस तरीके से हेयर्स पे लगा दिया है और कट करके इक्वल कर लेंगे। देन डेकोरेशन के लिए यहाँ मैंने कुछ ग्लिटरी शीट से फ्लावर्स कट करे हैं, वो मैंने पेस्ट करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। देन हम इसके लिए एक पेपर फैन फोल्ड करेंगे, ये हम हैंड्स के लिए समझ लीजिए, या फिर आप, हम ये क्या बना रहे हैं, पेपर डॉल, फेरी पेपर डॉल बना रहे हैं, तो फेरी के
फैदर्स के लिए हमने इस तरीके से फ़ैन बनाया है फोल्ड करके, और उसको हमने सेम उसी शेड में दे दिया पर्पल एंड रेड कलर। अब हम यहाँ फेविकॉल लगा कर इस तरीके से बैक साइड में लगाएंगे। देन अच्छा, मैंने फेस पे आइज़, नोज़ और माउथ बनाया है, तो आपको ऑप्शनल है, बनाना है बनाइए, नहीं तो प्लेन भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम लेस हम सेंटर में भी लगा